we love to explore ancient ruins, which is filled with deep historical knowledge. एंड अगर आप भी हमारे तरह आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर लवर हैं तो हम भी आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। हम्पी एक वर्ल्ड यूनेस्को साइट है एंड इट वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय। इसे एक लॉस्ट किंगडम भी कहा जाता है। हमने 4 डेज की बैकपैकिंग ट्रिप की थी इन हम्पी एंड ये वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे हमारी ट्रैवल आइटिनरी अलॉन्ग विद ट्रैवल, फूड, स्टे, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग एंड एंड में होगा कंप्लीट बजट ब्रेकडाउन। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा। When to visit Hampi? Hampi generally एक हॉट प्लेस है तो अवॉइड विजिटिंग इन समर। बेस्ट एंड आइडियल टाइम है फ्रॉम नवम्बर टू मिड मार्च। मार्च एंडिंग से लेके जून तक आप अवॉइड ही करें एंड इन रेनी सीजन आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी दैट वी डिसाइडेड टू कम टू हम्पी एंड पर्टिकुलरली इन दिस मंथ कि फिलहाल कोई टूरिस्ट नहीं है, है थोड़ा सा गर्म है बट चलता है। हम्पी के लिए नियरेस्ट रेलवे हेड है होसपेट, जो कि वेल कनेक्टेड है फ्रॉम मुंबई, पुणे एंड बैंगलोर। हमने ट्रैवल किया वाया ओवरनाइट बस फ्रॉम मुंबई। हमारे लिए ये बेस्ट ऑप्शन था बिकॉज इट सेव्ड आवर टाइम। अर्ली मॉर्निंग बस आपको पहुंचाती है होसपेट, वहां से आपको मिल जाएगा रिक्शा और लोकल बस जो आपको पहुंचाएगा मेन हम्पी टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तुंगभद्रा रिवर हम्पी को डिवाइड करती है इन 2 पार्ट्स। एक पार्ट है मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड दूसरा है अन्नागुड़ाई हिल्स, फेमसली नोन एज हिप्पी आइलैंड। अगर आप बजट स्टे करना चाहते हैं तो आप लोकल्स के साथ रह सकते हैं उनके होम स्टे में, जो कि काफ़ी पास है मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के। एंड यहाँ पे काफ़ी लग्जरियस हेरिटेज रिसॉर्ट्स भी अवेलेबल है जहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं ब्यूटीफुल पैडी फील्ड व्यू। फर्स्ट 2 नाइट्स हमने स्टे किया इन अ सुधास गेस्ट हाउस जो कि मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर है एंड नेक्स्ट 2 नाइट्स हमने स्टे किया ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर जो कि हिप्पी आइलैंड है इन अ नेचुरल बाम्बू कॉटेजेस वेयर वी एंजॉयड अ ब्यूटीफुल पैडी फील्ड व्यूज एंड दोनों ही हमारे बजट स्टे थे। Lately I was feeling like I need a purpose. नाउ बात करते हैं फूड के बारे में। हम्पी में आपको बहुत सारे स्ट्रीट फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको मिलेंगे लोकल्स के साउथ इंडियन डिशेस, आप वो ज़रूर ट्राई करें। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे बहुत सारे कैफेज़ भी हैं जहाँ पे आपको हर वैरायटी ऑफ फूड मिल जाएगा, पर हम सजेस्ट करेंगे डे में आप लोकल फूड ट्राई करें एंड इवनिंग में जाए हमारे फेवरेट कैफ़े में जो कि है मैंगो ट्री कैफ़े, बिकॉज हमें वहाँ का फूड, एम्बियंस, म्यूज़िक सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। नाउ बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट। अगर आप हम्पी के मेन टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर रहते हैं तो आप वीरूपक्ष टेंपल कॉम्प्लेक्स एंड अच्युतया टेंपल कॉम्प्लेक्स कवर कर सकते हैं बाय वॉकिंग इट्सेल्फ, ये काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। एंड हजारावन टेंपल या विजय विठला टेंपल अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आप रेंट पे ले सकते हैं साइकिल या 2-व्हीलर। यहाँ पे लोकल रिक्शाज भी अवेलेबल हैं जो आपको ये सारे प्लेसेस कवर करवाएगी। हमने यहाँ पे बाइक राइड की थी इन बोथ द साइड्स ऑफ हम्पी टू कवर ऑल द प्लेसेस। एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए फेरी बोट्स अवेलेबल हैं जो कि लिमिटेड टाइम पे चलती हैं। यू विल रियली एंजॉय बाइक राइड इन अ हिप्पी आइलैंड बिकॉज यू विल बी बाइकिंग अराउंड द पैडी फील्ड व्यू अलॉन्ग विद द सानापुर लेक। इट गिव्स यू कम्प्लीटली चिल वाइब्स। When you talk to me, give me the impression that I won't
scratch your surface. And I could walk for days. अब बात करते हैं हमारी आइटिनरी के बारे में कि हम्पी में 4 दिन हमने कैसे और कहां स्पेंड किए। सो डे 1 पे हमने विजिट किया वीरूपक्ष टेंपल। ये मेन टेंपल कॉम्प्लेक्स होने के कारण हमेशा ही क्राउडेड होता है, पर उतना ही ब्यूटीफुल भी है। देन हम गए अच्युतया टेंपल कॉम्प्लेक्स। यह स्टार्टिंग में ही एक बड़ी सी पुष्करणी है जिसे स्टेप वेल भी कहा जाता है। एंड देन है सुलाई बाजार, जो उस टाइम पे यहाँ पे बाजार भरती थी, या उसके रिवर्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे। एंड बाद में है मेन अच्युतया टेंपल कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज कोई पब्लिक नहीं थी, नो क्राउड, ओनली 2 of us। तो यहाँ हमने काफ़ी अच्छे से फोटोग्राफी की एंड वीडियोग्राफी, और हमने बहुत इन्जॉय किया। अच्युतया टेम्पल के पास में ही है मातंगा हिल्स, जो कि सनराइज एंड सनसेट के व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप हम्पी में हैं तो मातंगा हिल्स से सनसेट सनराइज व्यू बिल्कुल मत मिस करें। तो नेक्स्ट डे हमने बाइक रेंट पे की एंड हम गए थोड़े दूर के प्लेसेस पे। तो सबसे पहले हम गए श्री कृष्णा टेम्पल एंड कृष्णा बाजार। उसके बाद हम गए एलिफेंट स्टेबल, लोटस महल, क्वींस पैलेस बेसमेंट। ये तीनों प्लेसेस एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं। एंड उसके बाद हजरा रामा टेम्पल, ये काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड यहाँ पे भी कोई पब्लिक नहीं थी बिकॉज हम अर्ली मॉर्निंग पे गए थे, सिर्फ हम दोनों ही थे। उसके बाद रॉयल एनक्लोजर एंड उसके पास में ही है और एक ब्यूटीफुल पुष्करणी। हम्पी की मेन पुष्करणी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड एंड में क्वींस बाग पैलेस। सारे प्लेसेस एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। आप हाफ डे में ये सारे प्लेसेस कवर कर सकते हैं। एंड पोस्ट लंच हम गए विजय विठ्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपको आपकी बाइक पार्क करनी पड़ेगी स्टार्ट पॉइंट पे, एंड उनके व्हीकल के थ्रू ही आप आगे जा सकते हैं। ये टेम्पल फेमस है अपने म्यूजिकल पिलर्स के लिए एंड स्टोन चैरियट, जो कि आपको देखने मिलेगा हर 50 rupees की नोट पे। एंड देन रिटर्न में हम गए शशिवे कालू गणेशा एंड हेमकुट हिल। वी आर गोइंग ऑन हेमकुट हिल। यहाँ पे सनसेट दो जगह पे बहुत अच्छा होता है। बाकी तो बहुत सारी जगह है, बट हेमकुट हिल और मातंगा हिल, ये दो का जगह से सनसेट एंड सनराइज बहुत अच्छा दिखते हैं। जहाँ पे हमने इंजॉय किया ब्यूटीफुल मैजिकल सनसेट ऑफ हम्पी। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा डे 2। सो डे 3 पे हम गए अनदर साइड ऑफ हम्पी रिवर के उस साइड में थ्रू फेरी बोट राइड, जो कि हार्डली 10 minutes का राइड है। वहाँ पे जाने के बाद हमने बाइक रेंट पे की एंड वहाँ के कुछ टेंपल्स एक्सप्लोर किए। यहाँ के टेंपल्स काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है एंड इतने फेमस नहीं हैं। उसके बाद हम गए सानापुर रिजर्वायर में कोरैकल राइड के लिए। सानापुर रिजर्वायर एंड वी आर गोइंग फॉर कोरैकल राइड,
just charging 100 rupees per person for 20 minutes. Oracle ride Hampi में काफ़ी ज़्यादा famous है. ये कुछ hardly 15 minutes की ride होती है जो boatman आपको पूरे lake पे घुमाता है. When you talk to me, give me the impression that एंड उसके बाद इवनिंग में हम गए अंजनाया पर्वत पे, जो कि बर्थ प्लेस है ऑफ लॉर्ड हनुमान. वहाँ पे जाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स क्लाइंब करने पड़ेंगे, वो हाइट पे है. पर ऊपर जाने के बाद प्लेस का व्यू काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है. एंड यहाँ पे हमने इंजॉय किया डे 3 का सनसेट. डे 3 पे हमने आगे कुछ कैफेज़ भी एक्सप्लोर किए, जो कि हिप्पी आइलैंड फेमस ही है अपने कैफेज़ एंड लेड बैक वाइब्स के लिए. वन ऑफ द मेन रीज़न टू प्लान हम्पी इन मार्च एंड था हमारा कि यहाँ की फेमस होली. यस, हम्पी की होली काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है. एंड डे 3 के नाइट को यहाँ पे था होली का दहन, जो लोकल्स, फॉरेनर्स एंड सारे टूरिस्ट मिला के जो सेलिब्रेट करते हैं. होली का दहन होता है एंड लोग गुलाल से डांस कर रहे हैं, ड्रम्स बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं. इट वॉज वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड वाइब. तो ऐसे हुआ हमारा डे 3 ख़त्म. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a break. सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने सनराइज एंजॉय किया इन पैडी फील्ड्स एंड देन होली खेली विद फॉरेनर्स, लोकल्स एंड एवरी टूरिस्ट हियर. बहुत मज़ा आया. 10 बजे होली स्टार्ट हुई एंड सब जिन गा रहे थे, होली खेल रहे थे, कलर स्प्लैश कर रहे थे, बॉटल स्प्लैश कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गुलाल फेंक रहे थे, हैप्पी होली विश कर रहे थे. बहुत ही मज़ा आया. इट वॉज रियली वेरी फन. हम्पी की ट्रिप यहाँ पे खत्म हुई. सो नाउ वील शो यू आवर टोटल बजट ब्रेकडाउन फॉर हम्पी ट्रिप. तो अब बात करते हैं बजट के बारे में कि हम्पी में 4 दिन का 2% के हिसाब से टोटल हिसाब किताब कितना हुआ. तो हमारा टोटल बजट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, स्टे, टेंपल एंट्री फीस एंड फूड मिला के 13,830 हुआ, जो कि 2% के हिसाब से एक नॉमिनल बजट है. हम्पी के डे बाय डे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में हम्पी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, आप वो चेकआउट करें. होप आपको ये इन्फॉर्मेशन भी यूजफुल हो. एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो फिर आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं DM करके.